दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की दो नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग्स की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस फैसले पर देश को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन दो नई वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है वो दोनों ही प्रोटीन आधारित वैक्सीन कोवोवैक्स और कोबिरवैक्स हैं। जहां कोवोवैक्स का निर्माण अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की तरफ से किया गया है, वहीं कोबिरवैक्स को भारत की बायोलॉजिकली ने बनाया है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ट्वीट कर बताया कि कोर्बेवैक्स भारत में बनी पहली आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे हैदराबाद स्थित फॉर्म बायोलॉजिकली ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यह हैट्रिक है। कोरोना की अब तक तीन वैक्सीन भारत में बनाई जा चुकी हैं। दो अन्य टीके जो भारत में बने हैं उनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड शामिल है। मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व सामने आकर किया है। इन सभी मंजूरियों से कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। हमारी फार्मा इंडस्ट्री दुनिया के लिए संपत्ति है। सर्वे भवन्तु सुखः, सेवा संतु निरामयः। आपको बताते चलें कि भारत में अब तक कोरोना की 8 वैक्सीन्स को ड्रग रेगुलेटर की ओर से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जायकोव डी, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स शामिल हैं। वहीं आपको बताते चलें कि देश में बीते दिन कोरोना के 6,358 नए केस मिले और 6,450 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट 98.40% हो गया है। पिछले 24 घंटे में 293 संक्रमितों की मौत हुई, जिससे कुल मौतों की संख्या बढ़कर 4,80,000 हो गई। देश में अभी 75,456 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। मालूम हो कि अब तक 3,47,00,000 कोरोना केस मिल चुके हैं।